हेलो एवरीवन, इट्स माय फ्रेडिक्स चैनल। आज हम आए हैं बाहर। ओ ये आप देखें, ये ज़मीन को लेज़र फिर रहा है। अभी इसमें आलू हमने कास्ट करने हैं तो लेज़र फेरना ज़रूरी हो गया है। अगर लेज़र ना फेरें तो आलू को पानी नहीं लगता आलुओं को अच्छी तरह। ये बहुत मुश्किल से लेज़र फेरा है। ये इस साइड वाली ज़मीन काफ़ी ऊंची थी, ये वाली, और ये नीचे थी। कल लगे रहे हैं ये 5 एकड़ में, कल पूरा दिन वो लगे रहे हैं। आप खुद सोचे कितना टाइम लगा है। सारी यहाँ से मिट्टी खींच के वहाँ पर की है। आगे वो जो उस दिन मुंजी काटी थी वो अभी तक उसके डिस्के फेरनी। अब कब वो ट्रैक्टर आएगा। अभी ये ज़मीन ठीक हो रही है, कब वो थोड़ी सी सूख सूख जाएगी तब वो डिस्के फेरेंगे। डिस्के अंदर पड़ी हुई हैं, वो देखें, डिस्के अंदर पड़ी हुई हैं। यहाँ पर कुछ भेड़ वगैरह हैं जो यहाँ पर आई हुई हैं। ये हमारे आलू हैं। आज मोटर बंद है। ये जी मुंजी है जो हमने कल काटी है, ये थोड़ी सी गिरी हुई है, ये नहीं काटी। ये बड़ी मशीन ही काटेगी, छोटी मशीन ने वो काटी है। वो देखे ना, सथरियाँ बनी पड़ी हैं। छोटी मशीन सथरियाँ बनाती है, बड़ी मशीन रालियाँ बनाती है। ये इन दोनों का फ़र्क है। और सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि उसकी एवरेज छोटी की ज़्यादा आती है, बड़ी की एवरेज नहीं आती, बिल्कुल भी एवरेज नहीं आती। वो 100 को 75 कर देती है, जाके बड़ी 100 को 100 ही रखती है। मानों में बड़ा फर्क डाल देती हैं ये लोग। ये जी रात को काटे हमने, मुंजी सारी काटी है। ये गिरी हुई थी, ये उस छोटी काटती नहीं है। छोटी के लोग कहते हैं, वो उसके जो मालिक हैं वो कहते हैं हमने छोटी ये इसके अंदर फंस जाती है, फिर वो उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ये हमने 15 दिन हुए थे जो आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में कि गिर रहे हैं, ये गिरे हुए फिर इधर रह गए हैं, बाकी उन्होंने वो हमें काट दिए हैं। अभी हम आपको पराली के पास लेके चलते हैं। इधर हमारी पराली पड़ी हुई है। ये जो इकड़ उस दिन काटे थे जो हम सुखाए थे जिनको, ये उसकी पराली पड़ी हुई है। देखिए अभी इसको हमने उठाना है और वहाँ पर उधर लेके जाएंगे, कहाँ पर मुंजी सुखाते हैं ना उधर आपको दिखाते हैं। उधर और भी पराली पड़ी हुई है। ये पराली काम आती है, कब आलू की धड़ें लगती ना, धड़ों के ऊपर लगाते हैं पराली ताकि ना वो धूप से बचे रहें, ख़राब ना हो। काफ़ी 2 माह पड़े रहते हैं, फिर स्टोर का खर्चा नहीं डलता। और अभी आपको दिखाते हैं वहाँ पर भी पड़ी है पराली, और वहाँ पर मराठ वहाँ पर खाद भी फेंक रहे हैं। शायद आप तो फेंक लियो, अगर उन्होंने वही फेंकनी हो तो आपको दिखाएंगे। ये भी हम जा रहे हैं, ये आपको उसने दिखाया था, ये ज़मीन तैयार कर रहे हैं। अभी इसको हमने सुहागा फेरा है, दोहरा सुहागा फेरा पड़ा है इसको। अभी इंशाल्लाह कब वो भी तैयार कर लेना, फिर इकट्ठी इसके अंदर लगाएंगे हम। आलू ही लगाने हैं 5 के 5 एकड़। ये जी हमारे पास तूड़ी पड़ी है, ये 5 को डालते हैं। ये गंदुम से तूड़ी बनाते हैं। ये भी पड़ी है, इसके में इसकी अशद ज़रूरत रहती है। ये बहुत कम तादाद में जितनी भी हो ये कम ही होती है। वो देखें, वो जो ट्रैक्टर चल रहा है हमारा, वो खाद तो उन्होंने फेंक ली है। यहाँ पर हमने चारा लगाना है भैंसों के लिए। ये सारी ज़मीन हम आलुओं के लिए तैयार करनी है ना, तो चारा ख़त्म हो जाएगा फिर, तो इस चारा कहाँ से लाएंगे। इन्होंने खाद फेंकनी थी, वो तो जा रहे हैं, इन्होंने खाद फेंकनी थी। ये जी ट्रैक्टर चल रहा है,
ये देखिए ये मोटर है, ये 6 का पाइप है, यहाँ पर भी चारा ही लगाना है। ये सुहागा फेर रहा है, अब खाद फेंक दी है तो सुहागा फेर रहे हैं। अभी आपको वहां पर लेके चलते हैं। ये डिगर पड़ा है हमारा, ये आलू खाड़ता है, इसकी 3 माह के बाद जरूरत पड़ेगी, इसकी भी 3 माह के बाद जरूरत पड़ेगी। ये जो फसलों में पराली पड़ी है, एक जो जो इकड़ छोटी मशीन से कटवाए हैं, जिस मूंजी की कटाई हुई छोटी मशीन से, उधर से उठा के ले आए हैं। अभी कहाँ पर डिस्की पड़ी थी, ये उसकी है, उस फसल की है। और ये जो पीछे वाली पड़ी थी उसकी है, 2.25 एकड़ की, ये वाली थोड़ी सी पुरानी नज़र आ रही है। ये हमें काम आनी है 2-4 माह के बाद, इसको सारी को उठा लेंगे हम। तो इक्का अब यहाँ पर धड़ें लगेंगी इस साइड पे, तो वहाँ पर हमें बहुत काम आएगी। ये फसल ये कब ना आपके पास थोड़ी ख़त्म हो जाती है, तब आप इसको भैंसों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके इस्तेमाल में नहीं है तो आप इसको बाद में बेच दें, अगर आपके इस्तेमाल में ना आए तो। यहाँ पर हम अपने व्लॉग को करते हैं एंड। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है।